जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, कालिदास जी के माता और पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है भगवान राम और कंजूस सेठ। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी के एक भक्त हुए थे। उनका नाम था विट्ठल दास जी। इनका नियम था, यह हर वर्ष अपने आश्रम पर एक बड़ा ही सुंदर महोत्सव लगाते थे। उस मेले में गांव के अनेक लोग आकर उनका सत्संग भी सुनते थे और भोजन प्रसाद भी खाकर जाते थे। गांव में इनका बड़ा ही प्रचार था। एक धनवान सेठ इनका शिष्य था। वह हर वर्ष अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए इस मेले में थोड़ा धन देता था। उसके मन में यही लालच रहता था, मैं थोड़ा धन दे दूं और यह संत मेरा सम्मान कर दें। पर विट्ठल दास जी तो परमात्मा के सिवा किसी का सम्मान करते ही नहीं थे, क्योंकि संतों का स्वभाव होता है वह परमात्मा को ही अपना धन मानते हैं, बाकी सारा धन उनके समक्ष गौण होता है। पर उस धनवान सेठ के मन में यही अभिमान रहता था कि यह सेठ सारी सभा के बीच मेरा सम्मान करे, क्योंकि मैं बहुत अधिक मात्रा में इन्हें धन भंडारे के लिए देता हूं। पर भक्तों का ध्यान इस बात की ओर जाता ही नहीं था। अब एक बार भक्त विट्ठल दास जी के आश्रम पर अचानक एक संतों की जमात आ पहुंची। उनके मन में हुआ, संतों को भोजन कराया जाए। ऐसा सोचकर वह धनवान सेठ के पास गए और कहने लगे, मुझे धन की आवश्यकता है, तुम मुझे धन दे दो, मैं थोड़े समय बाद तुम्हें धन लौटा दूंगा। वह सेठ तो बड़ा अभिमानी था, वह कहने लगा, मैं तुम्हारे मेले में इतना धन देता हूँ, तुम लोगों को यह बात तक नहीं बताते हो कि मैंने तुम्हें धन दिया है, तुम सिर्फ अपने नाम के पीछे मरे रहते हो। तब भक्त विट्ठल दास जी कहने लगे, अरे मैं तो परमात्मा का भंडारा कराता हूँ, खाने वाला भी परमात्मा है और खिलाने वाला भी परमात्मा है। तब सेठ गुस्से होकर कहने लगा, मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता हूँ, अगर खिलाने वाला परमात्मा है तो अपने परमात्मा के आगे रोया करो, मुझसे धन लेने नहीं आया करो। इस प्रकार उस सेठ ने संत जी को फटकार दिया। अब भक्त विट्ठल दास जी अपने आश्रम पर आए और परमात्मा को प्रार्थना कर कहने लगे, हे नाथ, यह संतों की जमात मेरे पास आई है, अब आप कृपा कीजिएगा अपने भक्त की इस दुविधा को दूर करने के लिए। कहते हैं भगवान ने अपने आप आश्रम पर बहुत सारी भोजन सामग्री प्रकट कर दी। अपने शहर में भक्त जी का नाम होने लगा। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब भक्त विट्ठल दास जी के आश्रम पर उत्सव मनाया जाता था। सब लोग सोचने लगे, देखते हैं इस बार उत्सव कैसे मनाया जाता है, क्योंकि वह धनवान सेठ तो वैसे भी भक्त राज जी से क्रोधित है, वह तो धन देगा नहीं। हम देखना चाहते हैं किस प्रकार भक्त राज जी अपने आश्रम पर यह उत्सव कैसे मनाते हैं। अब उत्सव प्रारंभ होने लगा। उत्सव से एक रात पहले भक्त विट्ठल दास जी अपने परम परमात्मा को याद कर कहने लगे, हे नाथ, यह मेला आपका है, इस मेले में आप ही उपस्थित होते हो, आप ही भोजन करते हो, आप ही भोजन कराते हो, अब सारी व्यवस्था आपको ही करनी है, मैं तो निश्चिंत होकर सोने जा रहा हूँ। भक्त विट्ठल दास जी तो इस प्रकार प्रार्थना कर आराम करने चले गए। प्रातः काल हुआ, भगवान श्री राम को चिंता होने लगी, मेरे भक्त के आश्रम पर मेला प्रारंभ होने वाला है और इसके पास धन तो है नहीं। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बनिए का रूप धारण किया और बनिए का रूप धारण कर भक्त विट्ठल दास जी से मिलने आए। भक्त विट्ठल दास जी को देखकर बनिए के रूप में भगवान श्री रामचंद्र उपस्थित होकर कहने लगे, हे भक्त विट्ठल दास, मैंने सुना है तुम भगवान का भंडारा करते हो, उस भंडारे में गांव के बहुत सारे लोग भोजन खाने आते हैं, मैं तो दूर का राहगीर हूँ, मैंने तुम्हारा नाम सुना है इसलिए तुमसे मिलने आ गया, मेरी इच्छा है यह 300 स्वर्ण मुद्राएं तुम भंडारे की सेवा में लगा देना।
तब भक्त विट्ठल दास जी बनिए से पूछने लगे, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो? वह बनिया कहने लगा, मैं रहता तो सब स्थानों पर हूँ, पर कभी कभी किसी से मिलने आ जाता हूँ। मेरी यह प्रार्थना है, यह 300 स्वर्ण मुद्राएं तुम रख लो। इन स्वर्ण मुद्राओं से अच्छे से अपने परमात्मा का भंडारा करना। भक्त विट्ठल दास जी कहने लगे, अरे आप क्यों जा रहे हैं? आप भी यहाँ रुकिए, संतों की सेवा कीजिए। तब बनिया बने भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे, मैं अधिक देर तो नहीं रुक सकता हूँ। अगर आपके मन में इच्छा है तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। आपके हाथ से पानी पीकर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब जब तक भक्त विट्ठल दास जी भगवान के लिए पानी लेकर आए, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने वहां सभा में सब संतों से पूछा, यहाँ जो बनिया खड़ा था, जो मुझे इतना सारा धन देकर गया, वह कहाँ चला गया? वहां सभा में उपस्थित सभी महापुरुष कहने लगे, हमने तो देखा नहीं, वह कब आया था, वह कब तुम्हें धन देकर गया? विट्ठल दास जी ने 300 स्वर्ण मुद्राएं दिखाकर कहा, वह अभी तो आया था, आपके सामने तो हमें धन दिया था। तब वह सारे लोग कहने लगे, हमें तो कोई भी दिखाई नहीं दिया, जो तुम्हें तुम्हारे हाथों में स्वर्ण मुद्राएं देकर गया हो। हाँ, अभी हमें तुम्हारे हाथ में 300 स्वर्ण मुद्राएं दिखाई दे रही हैं। भक्त विट्ठल दास जी ने संतों की यह बात सुनी, तब उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे। तब उन्हें इस प्रकार रोते हुए देख संत लोग कहने लगे, अरे भक्तराज क्यों रोते हो? तब भक्तराज रोते हुए कहने लगे, अरे आप उसे देख ना सके, मैं उसे पहचान ना सका, तभी मुझे रोना आ रहा है। वह और कोई नहीं, मेरे परमात्मा बनिए का रूप धारण कर मुझे स्वर्ण मुद्राएं देकर गए हैं। उन्हें पता था कि इस बार मुझे पैसों की कमी आने वाली है। मेरे भंडारे में पैसों की कमी ना आ जाए, इसलिए बनिए का रूप धारण कर मुझे परमात्मा यह पैसे देकर गए हैं। उनके यह दयालुता याद कर मुझे रोना आ रहा है। भक्तराज जी की बातें सुनकर सब संत महापुरुष के होश उड़ गए। वह कहने लगे, भक्तराज, हे भक्त विट्ठल दास, तुम धन्य हो जो तुम्हारे कार्य को पूरा करने के लिए परमात्मा स्वयं बनिए का रूप धारण कर तुम्हारे पास तुम्हारे आश्रम पर आए। तुमसे अधिक धन्य कौन हो सकता है? भक्तराज रोते हुए कहने लगे, वह परमात्मा मेरे कार्य को करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और मैं उन्हें पहचान भी ना सका, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब तो उस धन से भक्त विट्ठल दास जी ने बड़ा शानदार भंडारा किया। जब गांव के सेठ को यह बात पता चली, मेरे धन नहीं देने के बाद भी भक्त विट्ठल दास जी ने बड़ा भंडारा किया है, तब उसकी आंखें खुल गईं। वह विचार करने लगा, मैं कितना अज्ञानी हूँ, मैं अपने अज्ञान के वशीभूत होकर संतों की सेवा करने से विमुख हो गया। वह दौड़ता हुआ भक्त विट्ठल दास जी के शरण में आया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करो, अज्ञान के अंधकार में मुझे अभिमान हो गया था, इसलिए मैं संतों की सेवा से विमुख हो गया था। अब मुझे आज्ञा करो, मुझे कौन सी सेवा करनी है? तब भक्तराज उस सेठ को उपदेश देते हुए समझाने लगे कि यह भंडारे परमात्मा के होते हैं, परमात्मा स्वयं लोगों के रूप में सेवा करने आते हैं और स्वयं ही उन लोगों के रूप में भोजन करने आते हैं। तुम आगे से कभी अभिमान नहीं करना, संतों की सेवा में रहकर अपना जीवन सार्थक बना देना। तो दोस्तों, अपने भक्तों के कार्य को पूरा करने के लिए भगवान किस प्रकार लालायित रहते हैं, तो ऐसे लीलाधारी प्रभु के श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारे कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।